नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज कांग्रेस के तिमारपुर से ही विधायक रहे और इस वक्त भाजपा के सदस्य सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कल जितेंद्र सिंह संटी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। यह दो मामले अपवाद में नहीं है। पिछले 15-20 दिनों में ये तेजी से बढ़ा है। राजनीतिक दलों के बीच जोर तोड़ का सिलसिला कंटिन्यूसली चल ही रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी से भाजपा में नेता गए हैं, भाजपा से आम आदमी पार्टी में गए हैं, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में गए हैं। तो ये सिलसिला बहुत तेज हो गया है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवनीत सरन, राकेश शर्मा और विनोद डवास। नवनीत सरन जी, क्या मतलब इस समय बहुत तेज उथल पुथल चल रही है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, चुनाव के ऐलान के पहले, किस तरह देखते हैं इसको? ये एक बड़ा बदलाव की दिशा में जा रहा है। समस्या राजनीतिक में ये बहुत ही एक बड़ा बदलाव दिख रहा है कि दल बदल जो हो रही हैं इन दिनों, जो 15-20 दिनों से देख रहे हैं, बड़ी तेजी से हो रही है। हाँ, एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जा रहा, दूसरी पार्टी का तीसरे में जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और खासकर जो रेस लगी हुई है इसलिए दिनों जो है, जैसे गहलोत चले आए उनके कैबिनेट मंत्री, अब फिर दो बार के विधायक रहे भाजपा के अनिल झा, आम आदमी पार्टी में चले गए। इसी तरीके से जो कांग्रेस छोड़ के जो है मतीन अहमद जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो ये कहीं ना कहीं बड़े ही बदलाव का संकेत दे रहा है। राकेश, किस तरह आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है इस समय इसको? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये सोच के चल रही है कि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रह गई है तो इसमें फेरबदल करना चाहिए। जो लंबे समय तक विधायक रह गए हैं उनमें बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मौका देना चाह रहे हैं जिनकी क्षेत्र में छवि हो, जो जिनका अपना मजबूत चेहरा हो, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। तो ऐसे नेता जो उनको अप्रोच कर रहे हैं, पार्टी को अप्रोच कर रही है, वो उनको मौका दे रही है। यानी ये दिख रहा है कि जिस संगठन, जो आम आदमी पार्टी ने जो कैडर थे उनके, आम आदमी पार्टी इसीलिए पहचानी जाती थी क्योंकि कैडर उनके होते थे, और अब जो है इस पार्टी का, आप भी इस पे सहमत होंगे कि पार्टी का बहुत तेजी से राजनीतिकरण नहीं है। ऐसा नहीं, 2014 में भी मतलब ये तो था ही कि जो बाहर के नेता थे वो आम आदमी पार्टी में गए थे। ये मतलब 2014 में भी दिखा था चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले। जैसे रामनिवास गोयल जी हैं जो आज राजनीति संन्यास ले रहे हैं, ये पहले भाजपा के एक्टिव मेंबर थे, लेकिन फिर वो जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल, तो ये नहीं। लेकिन इस दौरान जो ट्रेंड दिख रहा है ना, बहुत तेज दिख रहा है, मतलब जोर तोड़ बहुत तेज चल रही है। कांग्रेस में भी आम आदमी पार्टी से नेता गए हैं, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए हैं। मैं आपको पहले संतोष जी बताऊं, मैं जो पिछले काफ़ी साल से दिल्ली की राजनीति पे नज़र रखता हूं, तो कभी भी इतने बड़े लेवल पे या इतने इस लेवल के नेता दल बदल नहीं करते। हाँ, वही बात जो अभी हो रही थी। तो इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इससे ये लग रहा है सभी नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं हर हाल में, किसी भी तरह उनकी पार्टी के साथ कोई निष्ठा नहीं है, इससे ये साबित हो रहा है। और जो है पहले छोटे नेता जैसे आम आदमी पार्टी 13 में 6 चुनाव लड़ी थी, 14 में काफ़ी दल बदल हुआ था, ठीक है, लेकिन वो जो पार्षद लेवल के या वो नेता दल बदल कर, उन नेताओं ने दल बदल किया था जो एक तरह से राजनीतिक हाशिए पे थे, अब लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब जो टिकट के इच्छुक हैं और जिनको टिकट अपनी पार्टी से मिलता नहीं दिख रहा, वो इसलिए दल बदल रहे हैं। जी, बड़ा सही पॉइंट रिज करना है दवास जी कि उन नेता, वो नेता जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि जिस पार्टी में, जिस पार्टी के मूल कैडर हैं वो, वहाँ पर उनको टिकट मिलने का आश्वासन नहीं मिला। कहीं ऐसा भी है क्या? मतलब कुछ ऐसा बात हुई आपकी और राकेश की और नवाज जी आपकी? बिल्कुल, सोर्सेज से मतलब पार्टी सोर्सेज में बता रहे हैं क्या कि इन जो नेता चेंज कर रहे हैं अपना अपना दल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका टिकट मतलब ये हाशिए पे थे, टिकट न मिलने की आशंका थी, संदेह था? जैसे मैं अभी आपको बताऊं भाजपा में क्या चर्चा चल रही है कि जो 2013, 2015 और 2020 में जो 3 चुनाव में 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी जो पिछला सम्मेलन हुआ था जो काम का दिल्ली प्रदेश भाजपा का, उसमें ये चर्चा हुई थी कि जो बुजुर्ग नेता हैं या जो 2 साल 2 बार हार चुके हैं उनको जो है, तो बस चर्चाएं हुई थी। इसमें ये भी देख रहे हैं कि टिकट मिलने का तो है ही, उसके बाद जीत का भी एश्योरेंस जो है किसमें उनको दिखाई दे रहा है, चूंकि पिछले कई टर्म से जो है आम आदमी पार्टी के जो भी नेता, झाड़ू चलता ही चलता है, तो हाँ, 2 बार से तो चल ही रहा है, चूंकि भाजपा में या कांग्रेस में एश्योरेंस नहीं मिल रहा है इन लोगों को कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उधर जो जिस पार्टी में शामिल हो रहा है उसको, या भाजपा में शामिल हो रहा है या आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है या कांग्रेस में शामिल हो रहा है,
तो उसमें उन लोग को एश्योरेंस दिया जा रहा है कि हम टिकट आपको देंगे। आप आम आदमी पार्टी क्यों मतलब क्यों इस तरह से बाहर के नेताओं को ले रही है? तो मुझे जहां तक लगता है कि आम आदमी पार्टी उन नेताओं को प्रेफर कर रही है, मतलब उनको ज्यादा प्राथमिकता दे रही है जिनकी जमीनी पर अच्छी पकड़ है, चाहे जो कांग्रेस से जैसे आपके मटियाला से आए सुमेश शौकीन, उनका एक अच्छा पकड़ रहा है। इसके अलावा बीवी त्यागी जो लक्ष्मी नगर के लिए आए हैं, वो ये अभी वो लोग हैं जिनकी अपनी जमीनी पकड़ है। पार्टी में अभी तक जो चुनाव हुए हैं उनमें जो भी देखें तो मोस्टली ऐसे विधायक चुनकर आए थे जिनका व्यक्तिगत कोई छवि नहीं था, वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार पार्टी को ये लग रहा है कि केवल अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव नहीं होने वाला। खैर, ये दल बदल का सिलसिला, पार्टी से इधर से उधर जाने का सिलसिला अभी चलता रहेगा। जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो जाती है अलग अलग दलों की अलग अलग विधानसभाओं से, तब तक इसमें गुंजाइश है कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जाए। जैसा कि हम लोगों की बातचीत में हुआ कि सबके सबकी इच्छा यह है कि वो चुनाव लड़ें, चुनाव लड़के विधायक बने, और वो जहाँ उनको लगता है कि जीत उनकी सुनिश्चित है वहाँ वो जाना चाह रहे हैं। तो अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, आगे भी चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए इशू के साथ हम लोग आपसे रूबरू होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।